नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में निकले हुए भर्ती के बारे में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में हो रही है। तो देखा जाए तो जो वैकेंसी है वेरियस पोस्ट के लिए हो रही है, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट हो उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ये होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एक लिंक दी है, जिस पर आप क्लिक कर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ही gbtjob.com पर आ सकते हो और एक जॉब की जो जानकारी है उसे प्राप्त कर सकते हो। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्लिक हियर पे क्लिक कर आप पीडीएफ लोड कर सकते हो और जो ऑफिशियल वेबसाइट है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, उस पर भी जाकर जॉब रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। प्रतिमा आपको यहाँ पर वेतन अच्छा खासा मिल रहा है जो कि 16,400 से 40,500 रुपए। नेशनलिटी आपकी इंडियन है यानी भारतीय, उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 30 साल यानी अधिकतम 30 साल के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो एप्लीकेशन है निश्चित कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 28 सितंबर 2018। तो देखा जाए तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सितंबर का लगभग पूरा महीना है आपके पास। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है 28 सितंबर के पहले अप्लाई करिएगा, क्योंकि 28 सितंबर के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर एचआर के पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन स्वीकारा जाने वाला है। 29 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है अप्लाई करना। 28 सितंबर तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और आपका एप्लीकेशन निश्चित कर सकते हो। मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है उसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। अधिकतम 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। 16,400 से 40,500 रुपए तक आपको यहाँ पर वेतन मिल सकता है और एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर होना जरूरी है जो कि मिनिमम 2 साल का आपके पास होना जरूरी है इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी दूसरी है E1 की पोस्ट की, उसके लिए जो HR डिपार्टमेंट में हो रही है, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको प्राप्त होनी जरूरी है और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो देखा जाएगा जो वैकेंसी है HSL में हो रही है, यहाँ पर आपको फ्रेशर्स नहीं है होना जरूरी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ही होना चाहिए आपके पास अप्लाई करने के लिए, जो कि 2 साल का है। तो यदि आप फ्रेशर हो तो आप ये पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। आपके लिए हम और एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप अप्लाई कर सको। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, जिस पर जाकर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो ये दो वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से एप्लीकेशन स्वीकारा जाने वाला है तो जल्द से जल्द आवेदन करेगा, क्योंकि 29 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और 28 सितंबर तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और 28 सितंबर के बाद आपका एप्लीकेशन स्वीकारा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करें और लाइक बटन को यदि आप प्रेस करोगे तो हमें पता चलेगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई है नहीं। तो जरूर लाइक बटन को प्रेस करें और वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।